हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बताया था। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है और गोंडवाना लैंड का ही भाग है। आज अपने पढ़ेंगे विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग है। इसमें पर्वतमालाएं अपने पढ़ रहे हैं। अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी थर्ड है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फोर्थ है, पश्चिमी घाट फिफ्थ है, पूर्वी घाट। इसमें से अरावली दरवाज भी है और आज अपने पढ़ेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणी। ये दो श्रेणियां आज पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को क्या है, प्रायद्वीपीय पठार को कई भागों में बांट दिया है, क्योंकि आपके दिक्कत ना हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक साथ अगर पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे। इसलिए आपकी सुविधा के लिए अलग अलग वीडियो इसके सभी के बना रहे हैं। अब देखो, विंध्याचल श्रेणी है जो ये, इसका देखो एक मुख्य, ये मैप में आओ, इधर देखो विंध्याचल श्रेणी है ये। अब ये क्या करती है, इसका मुख्य क्या है, ये भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। दो भागों में ये भारत को विभाजित करती है। उत्तरी भारत में आर्य संस्कृति बनती थी, ठीक है, और दक्षिणी भारत में द्रविड़ संस्कृति पनपी थी, ठीक है। ये दो अलग अलग संस्कृतियाँ थी जो उत्तरी और दक्षिणी भारत में थी। ये तो क्या है, विंध्याचल क्या है, भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, विंध्याचल जो है पर्वत, इसका जो निर्माण है अरावली के बाद हुआ है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसका निर्माण अरावली पर्वत श्रेणी के बाद हुआ है। जैसे मैंने कहा था आपको, अरावली जो पर्वत श्रेणी है यह विश्व की सबसे प्राचीनतम है। तो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है यह भी हालांकि काफ़ी प्राचीन है, लेकिन निर्माण अरावली के बाद हुआ है। यह जो पर्वत श्रेणी है यह भी क्या है, सतत नहीं है, ठीक है, अवशिष्ट है। ये भी पर्वतों के अपरदन के कारण इनका भी क्षय हुआ है। अब देखो, यह है पश्चिम से पूर्व दिशा में ये फैली है। अब शुरुआत कहाँ से होती है, गुजरात से, गुजरात से शुरू होती है और बिहार में ये बिहार के सासाराम तक फैली हुई है, ठीक है, बिहार में, ठीक है, ये इसका विस्तार है। उसके पश्चात ये एक और कार्य करती है, गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसका भी विभाजन करती है। देखो विभाजन कैसे करी है, जैसे विंध्याचल श्रेणी से नर्मदा, ताप्ती, देखो ताप्ती और तापी एक ही बात है, ये एक नदी है, ठीक है, और महानदी, ये क्या करती है, इनको गंगा नदी के बहाव क्षेत्र से ये इनको अलग करती है। अब नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों कहाँ, अरब सागर में
समाहित हो जाती है। और देखो महानदी का जो उद्गम होता है ना वो होता है छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर पठार वहां से ये उड़ीसा में जाती है, ठीक है, उड़ीसा से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से इनका विभाजन करती है। और खनिज की दृष्टि से अगर देखें इस पर्वतमाला को तो यहाँ धातु खनिज नहीं मिलते हैं, ठीक है, यहाँ हमें मिलेंगे सबसे अधिक बालू के लाल पत्थर, जो बालू के लाल पत्थर है यहाँ क्वार्ट्ज है ये सबसे अधिक यहाँ मिलेंगे। अब बालू के जो लाल पत्थर है इनका जो उपयोग है ये घर बनाने के काम आता है, घर बनाने में जैसे लाल पत्थर होते हैं ना, जैसे लाल किला बना हुआ है लाल पत्थर से, तो इनका जो उपयोग है इन चीजों में होता है, घर वगैरह बनाने में इनका। उसके बाद देखो इसके कुछ क्षेत्रीय नाम है, क्या क्षेत्रीय देखो नाम है, जैसे अलग अलग पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है, अलग अलग क्षेत्र में जाएगी तो इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा। अब इसे गुजरात और मध्य प्रदेश में विंध्याचल कहते हैं, ठीक है, और इसे पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में बाड़मेर कहते हैं, बाड़मेर की श्रेणी कहते हैं, बाड़मेर की श्रेणी कहते हैं। बिहार में इसे कैमूर श्रेणी, ठीक है, कैमूर श्रेणी और बिहार के कैमूर श्रेणी कहते हैं, ये इसके क्षेत्रीय नाम है। गुजरात और मध्य प्रदेश में विंध्याचल कहते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में बाड़मेर की श्रेणी कहते हैं और बिहार में कैमूर की श्रेणी कहते हैं। और ये क्या है, ये ब्लॉक पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत है, चाहे सतपुड़ा हो चाहे ये विंध्याचल हो, ये ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। इसमें इतना ही है विंध्याचल में। अब अपने लेते हैं सतपुड़ा श्रेणी, थर्ड है अपना सतपुड़ा, सतपुड़ा की श्रेणी। अब देखो ये जो श्रेणी है, अब ये है विंध्याचल के दक्षिण भाग में है, विंध्याचल के दक्षिण भाग में सतपुड़ा की श्रेणी है। और इसका देखो विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार है गुजरात से, इसका विस्तार है गुजरात से ये गुजरात से छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है, विस्तृत है। अब इसमें इसकी सबसे ऊंची चोटी देखते हैं सतपुड़ा की, सबसे ऊंची चोटी है इसकी धूपगढ़, धूपगढ़ है
हाइट है इसकी 1350 मीटर, ठीक है। और स्थित कहाँ है? महादेव पहाड़ियों पे, महादेव पहाड़ियों पर, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सतपुड़ा की? धूपगढ़ है। कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ियों पे, ठीक है। अब इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये अमरकंटक, ठीक। अमरकंटक है इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट है 1066 मीटर, ठीक है। अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी है इसकी ये है मेकाल, मेकाल श्रेणी, ठीक है। दो चोटियां बता दी है इसकी, एक है धूपगढ़ जो कि सबसे ऊंची चोटी है, महादेव पहाड़ियों पर स्थित है, दूसरी है अमरकंटक चोटी है, ठीक है, जो कि मेकाल श्रेणी में है। लिख देता हूं दूसरी सबसे ऊंची ये चोटी है, ठीक है। अब देखो हम ये एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अगर अमरकंटक है ना, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, नर्मदा नदी है उसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद इसके भी कुछ क्षेत्रीय नाम है वो भी बता देता हूँ आपको। देखो इसके है क्षेत्रीय नाम है इसके नाम देखो, गुजरात में इसको कहते हैं, गुजरात में इसको कहेंगे अपने राजपीपला की पहाड़िया, राजपीपला की पहाड़िया, फिर इसको पूर्वी मध्य प्रदेश में मेकाल और अमरकंटक की पहाड़िया पहाड़िया कहते हैं। उसके बाद तीसरा है इसका पश्चिमी और मध्य प्रदेश में इसे महादेव की पहाड़ियां कहते हैं, महादेव की पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है। अब अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि ये तो भी ये पर्वत श्रेणी है, ये भी सतत नहीं है, ये भी कई जगहों पर इसका भी ह्रास हो रखा है, इसलिए अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला तो एक ही है मगर ये सतत नहीं है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। तो ये अब विंध्याचल और सतपुड़ा दो पर्वत श्रेणियाँ आपको करवा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पूर्वी घाट। जो पूर्वी घाट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत से इसमें से क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपने पश्चिमी घाट करेंगे, ठीक है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।